हे व्हाट्सअप गाइस, मैं सुकराज। आज मैं फिर आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ और आज की वीडियो में आप लोगों को और एक स्टॉल पे लेके आ चुका हूँ जो हमारे दिल्ली का ब्रांड रहने वाला है। और आप लोगों ने एक भैया के एक वीडियो देखा ही होगा जो रॉ मटेरियल के ऊपर था और उस पर इम्पोर्टेंट हमने पर्दा दिखा रखा था, मतलब पूरा चीज़ एक इम्पोर्टेंट था। और अभी मैं आप लोगों को रॉ मटेरियल भी दिखाऊंगा और प्लस इनकी एक ब्रांड भी है जो स्पीकर्स भी बनाते हैं, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। पूछते हैं कैसे कैसे क्या सिस्टम है, कितने कितने वॉट तक के स्पीकर मिल जाते हैं, लाइनर के स्पीकर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बेस के लिए मिलता है नहीं मिलता, पूरे डिटेल में पूछेंगे आज की वीडियो में। अगर उससे पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, पहले का जो प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जो फॉलो करता है, डेली अपडेट अपडेट मिलता है। चलो भैया से मिलते हैं। हेलो भैया, कैसे हो? हेलो। तो भैया, हमारे भाइयों को थोड़ा ये बताइए कि आप आपकी कौन सी कंपनी रहने वाली है? हमारा है ऑडियोएक्स और वेल्टोन, दो है। ऑडियोएक्स इंडियन है, वेल्टोन इंपोर्टेड है, और साथ में हमारा मटेरियल का काम है जो शॉप नंबर 246 लाजपत नगर मार्केट में दुकान है। तो हमारे भाइयों को शॉप का एड्रेस बता दिया। अब प्लस ये बताइए कि आप जो वेल्टोन जो बता रहे हो, आप जो कंपनी आप जो लेके आए हो, हाँ, तो उस कंपनी के कितने मॉडल्स स्पीकर के आप देखने के लिए मिल जाता है? अभी मेरे पास 24-25 मॉडल है, लेकिन और नेक्स्ट एग्जीबिशन में हमारे पास जो ए टू जेड मॉडल मेरे पास होंगे। ओके, तो दिखाइए कौन कौन से मॉडल्स हैं। यहाँ पे 400 से शुरू हो जाता है, 12 इंची 400 वाट से, 12 इंची 800 वाट, 400 है इसका मैक्स पावर, 800 है मैक्स पावर, 800 है, ये इम्पोर्टेड स्पीकर है। यहाँ पे आपको वेल्टोन की ब्रांडिंग भी दिख जाती है। अच्छा, यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद इसी में हमारे पास 500 वाट में मिल जाता है, 500 वाट में, 500 वाट 600 वाट दोनों में मिल जाता है। ठीक है, तो आप दोनों के दोनों मतलब देखने के लिए मिल जाता है, ये पूरा इम्पोर्टेंट मतलब रहने वाला ही है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा 15 इंची के अंदर सेम चेसी के अंदर मिल जाता है, वेल्टोन कंपनी है, इम्पोर्टेड स्पीकर है, 400 वाट 1200 वाट भी मिल जाएगा इसके अंदर, 500 वाट तीनों मॉडल है, और आने वाले टाइम में हम 1000 और 1500 दोनों मॉडल लाने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब अभी आप ये बताइए कि इस कंपनी के अंदर सबसे शानदार स्पीकर क्वालिटी के मामले में कौन सा रहने वाला है हमारा? हमारे सारे शानदार और क्वालिटी सबके अंदर एकदम जेन्युइन मिलने वाली है, और रेट बहुत रीजनेबल रेट के अंदर। तो इनके अंदर कितने इंची का वॉइस कॉइल यूज़ कर रखा है? जैसे इसके अंदर यूज कर रखा है 4 इंची का वॉइस कॉइल है। ठीक है, हाँ, वो भी इन आउट और इम्पोर्टेड कॉइल है, पूरा स्पीकर इम्पोर्टेड है। ठीक है, हाँ, 993 का कॉइल है इन आउट। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को पीडी मॉडल भी देखने के लिए मिल जाता है, 1500 वाट आता है पीडी मॉडल के अंदर। ठीक है, हाँ जी, तो ये 1500 वाट का है? हाँ, 1500 वाट है, जेन्युइन 1500 वाट है, जेन्युइन 1500 वाट है, हाँ, सारे 4 इंची वॉइस कॉइल के साथ होता है। बिल्कुल, और इसमें 5 इंची का वॉइस कॉइल रहने वाला है? हाँ, 5 इंच। ये फिर 1500 वाट का है, VX451 मॉडल है ये। ठीक है, वी सीरीज में हमारे पास इसका 12 15 18 तीनों में है स्पीकर। और यहाँ पे आपका पूरा की पूरा फंक्शन यहाँ पे समझाया, हाँ, गया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1500 वाट रहने वाला है, मैग्नेट साइज भी यहाँ पे दे रखा है आपका, मतलब पूरा की पूरा यहाँ पे दे रखा है आप लोगों का, 18 इंच का स्पीकर है। हाँ, 8 ओम्स का स्पीकर है, 256। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है, इसी मॉडल में मिल जाता है 1200 वाट का स्पीकर। अच्छा, मतलब सेम चेसी में? हाँ, सेम मॉडल है, वोल्टेज अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब ये 1200 वाट का रहने वाला है? हाँ, 1200 वाट का है। ओके, और ये वाला है 15 इंची के अंदर 1000 वाट का। अच्छा, 15 इंची में 1000 वाट का स्पीकर। ये इसकी चेसी की क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार आपका रहने वाला है। और स्पीकर का वेट की बात करें और फ्रंट की बात करें तो आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को। और एक बात बताइए, जो ये प्राइस जो रहेंगे इसके, मैक्सिमम क्या प्राइस स्टार्ट हो जाता है? जो इम्पोर्टेड दूसरे कंपनी के जो इम्पोर्टेड स्पीकर आते हैं, हाँ, उससे बहुत ही कम होगा प्राइस। अच्छा, मतलब जो बाकी जो कंपनी है जो इम्पोर्टेड स्पीकर जो आ रहे हैं, हाँ, उनसे सस्ते स्पीकर ही रहने वाले, हाँ, हैं, सस्ते होंगे और क्वालिटी उनसे अच्छी होगी। अच्छा, क्वालिटी उनसे अच्छी होगी, हाँ जी। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट कौन सा आ जाता है जो बेस के लिए अच्छे शानदार वाले? बिल्कुल, बेस के लिए अपने पास आ जाता है 2000 वाट के अंदर। 2000 वाट, हाँ जी, ठीक है, मतलब ये पीडी मॉडल, ये इसको भी पीडी मॉडल ही कह रहे हैं, हाँ, कहा जाएगा पीडी मॉडल है ये। ठीक है, और यहाँ पे पूरा एलिंकी में काम किया गया है, एलिंकी आर पार एलिंकी है, यहाँ से लेके प्लेट से ऊपर तक एलिंकी से फिटेड है। ठीक है, 4 कट मैग्नेट में, हाँ, 4 कट मैग्नेट के अंदर है, 5 इंची इन आउट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी में 2000 वोल्ट में दूसरा मॉडल है, वी मॉडल। ठीक है, हाँ, उस इसमें कार्बन फाइबर कोन के अंदर आता है, ये दूसरा मॉडल है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका वेट तो काफ़ी अच्छा होगा भैया इसका, हाँ, तो ये देखिए स्पीकर, ये रेडी वाला आप लोगों ने नहीं देखा था तो ये देखिए रेडी वाला स्पीकर। और भैया कह भी रहे थे कि कभी हम आपको रेडी वाला स्पीकर दिखाएंगे, तो आज एग्जीबिशन में दिखा दिया आप लोगों को। कार्बन फाइबर इसका कोन है। ठीक है, तो भैया एक बात बताइए कि ये जो स्पीकर जो है ये पूरा वाटरप्रूफ रहने वाला है, इसका पर्दा जो है वो वाटरप्रूफ है? ये इसका जो
कोन है ना वो वाटर प्रूफ है, मतलब पूरा वाटर प्रूफ रहने वाला है, मतलब आप पानी डाल के भी, पानी डाल लो फिर भी चलता रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे 500 वाट का स्पीकर है ये, हाँ डब्ल्यू टी 500 वाट स्पीकर है इस मॉडल का, इसी के अंदर 18 इंच 1200 वाट का आ जाता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा बेस का ये स्पीकर रहने वाला, डायमंड कट के साथ आता है ये, ठीक है। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है, उसके बाद यहाँ पे VT 400 12 इंच के अंदर 400 वाट का मॉडल है, एयर वेंटिलेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और इसका स्पाइडर जो है ब्लैक कलर का है, अच्छा यूनिक है, अलग है और क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। रेट रीजनेबल है, इसकी क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसी में 10 इंच में आ जाता है अपने पास नियोडियम के अंदर, 10 इंच में नियोडियम के अंदर, हाँ ठीक है, नियोडियम 10 इंच के अंदर। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे RCF है, RCF ठीक है, नियोडियम में रहने वाला RCF, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है दूसरा, ये कितना वाट का रहने वाला है, ये 400 वाट का स्पीकर है, अच्छा तो 3.5 इंच का वॉइस कॉइल रहने, नहीं इसके अंदर 3 इंच ही है, इसके अंदर है 3.5 इंच, अच्छा ठीक है। ये 600 वाट का है और ये 400 वाट का है, ये 1500 वाट का स्पीकर है, 1500 वाट का स्पीकर 15 इंची में, हाँ जी अच्छा ठीक है। ये देखिए गाइस 256 का मैग्नेट है, 4.5 इंच इसके वॉइस कॉइल है, अच्छा 8 ओम्स का स्पीकर, जितने भी स्पीकर है सारे 8 ओम्स के है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है 1000 वाट का स्पीकर, हाँ जी 1000 वाट का है ये, ठीक है। और फिर भैया अब जैसे कि आपने एक वीडियो हमने एक वीडियो बनाया था, हाँ उस पर हमने सारे के सारे रॉ मटेरियल दिखाए थे, ठीक हाँ है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्प्ले क्या हुआ है मुझे पता है, लेकिन दुकान में तो इतना अच्छे तरीके से डिस्प्ले दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रखा है। तो थोड़ा हमारे भाई को रॉ मटेरियल भी दिखाइए कि ताकि उनको पता चल पाए कि इसी कंपनी का रॉ मटेरियल लेने वाला है या कंपनी जो जिस कंपनी में चाहिए सबका अपने पास रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। A to Z जो भी पार्ट्स होते हैं रॉ मटेरियल के सारे होते हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे के सारे रॉ मटेरियल्स रहने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पाइडर आ जाता है, हर तरीके की हर क्वालिटी का यहाँ पे स्पाइडर मिल जाता है, हर कंपनी का, ठीक है। जुपिटर बिना जो भी कंपनी का लेना चाहते हो सबका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लिक्सोन कंपनी का कॉइल है यहाँ पे, A to Z हर तरीके का कॉइल है लिक्सोन कंपनी का, ठीक है। उसके बाद नियोडियम मैग्नेट भी मिल जाते हैं यहाँ पे, 3.5 इंची 3 इंची 4 इंची, उसके बाद जो है डायफ्राम लीड वायर कनेक्शन सब कुछ मिल जाता है, मतलब सारे के सारे, मतलब जो हाँ। एक स्पीकर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सारे के सारे मटेरियल मिल जाता है, सब मिल जाता है कार्बन फाइबर फोन के साथ। ये देखिए कार्बन फाइबर फोन के साथ, ये देखिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला, मतलब 21 इंच तक में भी है क्या, हाँ 21 इंच भी है ये, 21 इंच रहने वाला, हाँ हाँ ठीक है। 21 के अंदर 6 इंची बोर्ड 5 इंची बोर्ड दोनों है अपने पास, अच्छा ठीक है, काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि मैंने सारे के सारे रेंज आप लोगों को दिखाई दिया, और कैसे लगी आज की वीडियो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर, तक आपको डेली से डेली नए अपडेट मिल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।